अगर आप ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब मिल जाएंगे लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बारे में आपको बहुत ही लिमिटेड वीडियो मिलेंगी जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हो तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि क्या मेथड है ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस का गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे होते हैं आपने सीख ली होती है तो इसकी प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तो आप काफ़ी ईजी वे में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं फिर चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स हो क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की कोई तो है नहीं जिसको आपने रिवाइज करना है और आप परफेक्ट हो जाएंगे लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस का एक मेथड है एक तरीका है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस टू टाइप्स की होती है एक होती है सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस और एक होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी फंडामेंटल और प्रिंसिपल हैं उनकी प्रैक्टिस तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके की प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको ज़रूरत है कि हाँ उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो गाइस सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस अगर आप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस एक से दो महीने करते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर में परफेक्ट हो जाएंगे लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फंडामेंटल और प्रिंसिपल की प्रैक्टिस जो कि मैं सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस के बाद में आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें तो गैस सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है सिंपली आपको नेट से कोई भी एक डिज़ाइन उठाना है जो कि देखने में थोड़ा क्रिएटिव हो उसमें कुछ शेप्स कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहे हो बस आपको करना यह है कि उस डिज़ाइन को उठाना है और उस डिजाइन को सेम एज इट इज एक नया डिजाइन बनाना है मतलब कि आपने जेपीजी उठाई और उसको अब अपने इलस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप में लेकर के गए और उसको आपने एज इट इज डिजाइन करना है जो ऐसा वो डिजाइन बना हुआ है जैसे उसमें ग्रेडियंट है जैसी शेप्स हैं उसमें जैसी इमेज लगी हुई है सेम आपको एज इट इज डिजाइन बनाना है जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस डिज़ाइन में कुछ शेप्स कुछ ग्रेडियंट्स ऐसे हैं जो कि आप नहीं बना पा रहे हैं लेकिन जब आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो शेप्स वो ग्रेडियंट्स वो कलर्स डालने का तरीका जो उसमें टेक्निक है सॉफ़्टवेयर की वो आपको सारी पता लगने लग जाएंगी अभी तो आपको लगेगा कि आपको सॉफ्टवेयर आ गया इंस्टीट्यूट में आपने एक महीने सीखा और आपको सॉफ्टवेयर आ गया लेकिन जब आप किसी डिज़ाइन को कॉपी करने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी भी आपको सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप कोई चीज़ नहीं बना पा रहे हैं लेकिन जब आप किसी के डिज़ाइन को कॉपी करते हैं तो वहां पर एज इट इज़ बनाना होता है और आपको पता लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ नहीं आती और आप उसी डिज़ाइन में वो चीज़ बनाना सीख जाते हैं फिर चाहे आप अपने दोस्त की हेल्प लें या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं वहाँ पे हेल्प लें या फिर आप कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ इस सॉफ़्टवेयर में कैसे बनेगी तो जब आप ऐसे एक से दो महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सॉफ़्टवेयर है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आप उस सॉफ़्टवेयर में कोई भी एलिमेंट कोई भी ग्रेडियंट कोई भी शेप काफ़ी ईजी तरीके से बना पाएंगे और इसका इम्प्रूवमेंट आपको पंद्रह से बीस दिन में ही मिलना लग जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे एक किसी डिज़ाइन को उठाते हैं और उसको एज इट इज कॉपी करते हैं एज इट इज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो गैस सेकेंड आता है ग्राफिक डिज़ाइन के फंडामेंटल और प्रिंसिपल की प्रैक्टिस गैस इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको नेट से कोई भी एक डिज़ाइन उठाना है ठीक है जो डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है अब उस डिज़ाइन को उठाने के बाद आपको उस डिज़ाइन में सिर्फ ये देखना है कि वो डिज़ाइन आपको क्यों अच्छा लग रहा है आपको सिर्फ अपने आप से अपने माइंड से अपने दिल से क्वेश्चन करना है कि वो जो डिज़ाइन आपने उठाया है वो आपको किस वजह से अच्छा लग रहा है जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आंसर भी खुद ही मिलेगा कि वो डिज़ाइन आपको क्यों अच्छा लग रहा है अब कोई डिज़ाइन आपको कलर कॉम्बिनेशन की वजह से अच्छा लग सकता है कोई डिज़ाइन आपको उसकी टाइपोग्राफी स्टाइल की वजह से अच्छा लग सकता है कोई डिज़ाइन आपको उसमें जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं जो शेप यूज़ हुई हैं उसकी वजह से अच्छा लग सकता है कोई डिज़ाइन में आपको ऐसा लग सकता है कि उसने जो प्रोडक्ट रखा है वो जैसे कि एक सर्कल है सर्कल में पूरा बीच में ना रख करके थोड़ा थोड़ा साइडों से बाहर निकला हुआ है इस वजह से अच्छा लग सकता है कुछ डिज़ाइन आपको इस वजह से अच्छे लग सकते हैं क्योंकि उसमें वाइट स्पेचिंग काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से अच्छा लग सकता है कोई डिज़ाइन आपको रूल ऑफ थर्ड की वजह से अच्छा लग सकता है तो इस तरीके से काफ़ी सारे टाइप्स होंगे जिसकी वजह से आपको वो डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि वो डिज़ाइन आपको क्यों अच्छा लग रहा है और किसी डिज़ाइन में आपको दो तीन चीज़ें मिलेंगी कि आपको उसका टाइपोग्राफी स्टाइल भी अच्छा लग रहा है आपको उसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी डिज़ाइन का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा आपने कोई शूज शूज का का एक डिजाइन डिजाइन निकाला, का मीडिया नि निकाला, सोशल मीडिया उसका कलर कॉम्बिनेशन आपको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अब आपको क्या करना है कि आपको वो जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया वही कलर कॉम्बिनेशन उठाना है और एक नया डिजाइन बनाना है किसी और प्रोडक्ट का अभी तक हम लोग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस में क्या कर रहे थे कि जो डिज़ाइन है सेम एज़ इट इज़ बना रहे थे लेकिन जब हम ग्राफिक डिज़ाइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे को एलिमेंट जो उस डिज़ाइन में चीज़ पसंद आई है सिर्फ उस डिज़ाइन को उस चीज़ को हम लोग पिक करेंगे और अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे कि आपको शूज़ वाले डिज़ाइन में ब्लू और येलो कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया तो अब आप क्या करो कि आप कोई भी एक परफ्यूम की बॉटल ले लो या फिर एक घड़ी का वॉच का एक ऐड बनाओ जिसमें वो कलर कॉम्बिनेशन आप ऐड करो तो आप देखोगे कि आपका डिज़ाइन भी देखने में क्रिएटिव लगेगा तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको किसी में जैसे टाइपोग्राफी पसंद आई तो आप वो टाइपोग्राफी स्टाइल उठा करके अपने डिजाइन में लगाने की कोशिश करो जब आप धीरे धीरे ऐसे करोगे तो आपके माइंड में एक लाइब्रेरी सेट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की टाइपोग्राफी अच्छी लगती है किस टाइप के कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं किस टाइप की शेप्स और एलिमेंट अच्छे लगते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो जितने भी ग्राफिक डिजाइन के फंडामेंटल और प्रिंसिपल हैं ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज किस डिजाइन में डालने से वो डिजाइन इंप्रूव हो सकता है वो डिजाइन को मैं बेहतर डिजाइन कर सकता हूं जब आप ऐसे डिजाइन करेंगे तो कुछ ही टाइम में जितने भी आपके डिजाइन है वो बनने में काफी ज्यादा क्रिएटिव और काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे और अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन के जो फंडामेंटल और प्रिंसिपल हैं वो और ज़्यादा डीप में देखने हैं तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पे मैंने हर एक प्रिंसिपल को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बता रखा है तो आप वहाँ पर भी जा के देख सकते हैं सो आई होप गाइज़ आपको पता लगा होगा कि हम लोग कैसे ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर और कैसे ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो गाइज़ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक ले थैंक यू